Let's do question number 2 of exercise 21A, that is concept of perimeter and area. Question number 2 is find the cost of fencing. Hame cost of fencing nikalni hai a rectangular field. Ek rectangular field hai, uski cost of fencing nikalni hai. 62 meter long hai aur 33 meter wide hai. At rupees 16 per meter. वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है अगर उसकी लेंथ 62 मीटर है और ब्रेथ 33 मीटर वाइड है. तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बना लीजिए जिसकी लेंथ दे रखी है 62 मीटर लॉन्ग है और 33 मीटर वाइड है, राइट. तो हम लेंथ लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ फील्ड दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड लिखेंगे, दैट इज 62 मीटर. और वाइड का मतलब है ब्रेथ, तो ब्रेथ लिखिए या वाइड लिखिए, बात एक ही है. तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है, 33 मीटर. अब फेंसेस की कॉस्ट निकालनी है, तो फेंसेस कहाँ लगती है, हमें पता है फेंसेस कॉर्नर्स में लगती है. और जब भी ये कॉर्नर्स की बात करते हैं तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कॉर्नर्स का मतलब है पेरीमीटर. यहाँ पे फेंसेस लगाना या वॉल खड़ी करना कॉर्नर्स पे, बाउंड्री पे, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पहले हम ये निकालेंगे कि हमने कितनी फेंसेस लगाई हैं, कितना मीटर हमने फेंसेस लगाई हैं. और हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है. तो लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे जो कि है हमारी 62, और ब्रेथ की जगह ब्रेथ जो कि है हमारी 33. तो ये कितना आ गया, 2 × 2, 2 + 3 = 5, 3 + 6 = 9. तो ये कितना आ गया, 2 × 5 = 10, कैरी 1, 2 × 9 = 18 एंड 190 मीटर हमारी फेंसेस लगी इस रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ फेंस लगाने में. क्वेश्चन में कह रहा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है अगर फेंसेस 16 रुपए पर मीटर के हिसाब से लगती है. तो रेट कितना होता है, रेट कितना दिया हुआ है फेंसेस का, रेट ऑफ फेंसिंग दैट इज 16 रुपीज पर मीटर दे रखा है, रुपीज 16 पर मीटर दे रखा है, राइट. अब हमें कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हमेशा देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कॉस्ट निकालनी होती है तो जो उसकी बाउंड्री का एरिया है जो कि पेरीमीटर है उसको हम उसकी कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमने कहा पेरीमीटर ऑफ फील्ड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पर मीटर से, जो कि कॉस्ट पर मीटर दी हुई है. तो पेरीमीटर कितना आया था, 190, और कॉस्ट कितनी दी हुई है, 16, उससे मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए 0 एज इट इज, 19 × 16 कर लेते हैं, तो 19 × 16 कितना आ जाएगा, 6 × 9 = 54, 6 × 6 = 7, 8, 9, 10, 11, 9 and 1. तो ये कितना आ गया, 4, 10, 3. तो ये आ गया 3040 रुपीज, दैट इज 3040 रुपीज की हमारी कॉस्ट आई फेंसिंग लगाने की रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ. आंसर. Let's do question number 3 of exercise 21A, that is concept of perimeter and area. Question number 3 is the length and the breadth of a rectangular field are in ratio 5:3. वो कह रहा है rectangular field की length और breadth दोनों हमें ratio में दे रखे हैं, 5:3. देखिए पहले length दे रखी है तो पहली ratio length की है, बाद में breadth दे रखी है तो बाद वाली ratio breadth की है. आगे क्या कह रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज, अगर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर 128 मीटर है तो हमें डायमेंशंस निकालनी है फील्ड की. डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है फील्ड की. तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें रेशियो क्या दे रखी है, रेशियो ऑफ लेंथ
एंड ब्रेथ दे रखी है, दैट इज 5:3 दे रखी है, और हमारा पेरीमीटर कितना दे रखा है फील्ड का, दैट इज 128 मीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, देखिए यहां स्पेसिफाइड है रेक्टेंगुलर फील्ड, क्योंकि यहां इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूं क्योंकि हमें फॉर्मूला भी रेक्टेंगुलर फील्ड का ही लगाना होगा. इसलिए रेक्टेंगुलर फील्ड जो कि है हमारा 128 मीटर, राइट. तो अब कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा फील्ड है, इसकी रेशियो दे रखी है लेंथ और ब्रेथ की, दैट इज 5:3. जब भी हमें ऐसे दिया हो, रेशियो में दे रखी हो उसकी साइड, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ बी, लेंथ बी क्या करते हैं, पहली वाली मैंने आपको बताई थी 5 है, लेकिन किसकी है, लेंथ की है, तो 5x मान लेते हैं, आप 5y भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल रख सकते हो x की जगह. और ब्रेथ कितनी हो गई, फिर ब्रेथ भी 3x हो गई, बाद वाली ब्रेथ थी. अब हम पेरीमीटर जानते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ये, राइट. अब हमें देखिए जिस जिसकी वैल्यू जो जो दी हुई है वो लिख लेते हैं. पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 128 मीटर, तो 128 मीटर लिख ली. टू लेंथ हमने मानी थी 5x और ब्रेथ मानी थी 3x. अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, अब हम इसे कंसिडर करेंगे, तो वही लिखिए. अब हमने एलजेब्रा में पढ़ा था सेम वेरिएबल्स आपस में ऐड हो जाते हैं, राइट. तो इसलिए पास्ट चैप्टर्स करने बहुत ज़रूरी हैं. सारे चैप्टर्स प्लीज़ सारे चैप्टर्स ध्यान से पढ़िएगा, विद इंट्रो पढ़िएगा, और एक एक क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, हर जगह काम आएंगे, आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से काम आएंगे. अब देखिए 5x प्लस 3x, क्योंकि यही चैप्टर्स आपके ब्रॉड हो जाते चले जाएंगे, लेवल बढ़ता चला जाएगा, जैसे गेम्स में लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे ही चैप्टर्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा, राइट. तो अब देखिए 5x प्लस 3x हमें पता है 8x हो गया. अब 128 अपनी जगह, आप या तो इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले आइए और इसे डिवाइड कर दीजिए, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाद में ले आइए. तो हमने 8 2 16x कर दिया, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए, अब मैंने आपको एलजेब्रा याद है, एलजेब्रा यहाँ यूज हुआ है. अब लीनियर इक्वेशन याद हो तो आपको पता है वेरिएबल अपनी जगह और कांस्टेंट दूसरी जगह, तो वही करेंगे हम. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हम देखिए 16x इक्वल्स टू 128 लिख सकते थे, तो मैंने इसको x को अपनी जगह रखा, 128 को अपनी जगह, इक्वल टू के लेफ्ट की साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड कोई भी रख सकते हैं. देखिए अगर मैं कहूँ 2 इक्वल्स टू x है या x इक्वल्स टू 2 है, बात एक ही है. तो उसी तरीके से मैंने ये 16 इधर ले आई, तो क्या बनती 128 अपॉन 16 इक्वल्स टू x, तो इक्वल टू x, x अपनी जगह और 128 अपॉन 16 कर लिया. सेम चीज करिए, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, राइट. अब ये देखिए, अब 16 ones are 16, 16 8s are 128 आ गया, तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई. तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, देखिए लेंथ थी 5x, तो 5 into 8, 5 8s are 40 meter आ गई. अब इसी तरीके से ब्रेथ, ब्रेथ कितनी थी 3x, तो 3 into 8 आ गई, दैट इज 3 8s are 24 meter. यूनिट लिखना ना भूले. तो हमारी लेंथ आ गई 40 meter और ब्रेथ आ गई 24 meter इज द आंसर.